Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. मैं हूं मोहम्मद नदीम असलम. Please subscribe my channel and press the bell icon for another videos. आज मैं आपको इस वीडियो में कन्वर्शन कंट्रोल पैनल को किस तरह अटैच करते हैं 24/7 के साथ उसका तरीका बताऊंगा. मतलब कि आप देखिएगा किस तरह इसका प्रोग्रामिंग होती है. लास्ट वीडियो में मैंने एड्रेसेबल कंट्रोल पैनल के बारे में बताया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा. आप उस वीडियो को भी देखें. उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया कि ये कंट्रोल पैनल क्यों लगाते हैं और किस लिए और कहां पर लगाया जाता है. अभी ये सेम टू सेम ही है. इतना मुश्किल नहीं है. हमें इधर भी सेम ही पॉइंट्स लेते हैं कॉमर और एनसी और सेम पार्ट लेते हैं. यहाँ पे भी हम लोग सेम पॉइंट पे. बस इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. अभी आप देखिएगा ये टेक्नीशियन ये प्रोग्राम कर रहा है. इसमें आप देखेंगे कि इस वीडियो में जहाँ पर डॉट्स होंगे ग्रीन डॉट होगा उसका मतलब है कि यहाँ पर फॉल्ट है और ये प्रोग्राम कर रहा है वो. और जहाँ पर टिक मार्क है वहाँ पर ये सिस्टम के बारे में बताएगा कि यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम ओके है. अभी ये सारा प्रोग्राम कर रहा है वो. सेम प्रोग्रामिंग है. अभी आप देखिए यहाँ पे
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सीटेक कंट्रोल पैनल के बारे में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट सिस्टम होता है, उसको कैसे अटैच करते हैं सिविल डिफेंस कंट्रोल पैनल के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।